हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज और अजय पांडे सर गुढ़ा एजुकेशन हब गुढ़ा गौर जी एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियोज में बात कर चुके थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इंट्रोडक्शन की बात कर चुके थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में डिफरेंसेस की बात कर चुके थे, एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हमने बात कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेशन में जितने ऑर्गन यूज में आते हैं, उन सभी ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम डेवलप होता है, और उसी सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, जैसे देखो अब कौन कौन से ऑर्गन है हम बात करते हैं। ये एक डायग्राम है, इसके थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि इसमें देखो हम देखते हैं एक्सटर्नल नेयर्स, उसके बाद नेक्स्ट नेजल चैम्बर, उसके बाद इंटरनल नेयर्स, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स, और लैरिंग्स आगे टू क्या होता है कि जो लैरिंगोफेरिंग्स है वो आगे दो पोर या छिद्र में डिवाइड होती है, जिसमें एक होता है ग्लोटिस और एक होता है गुलेट, ठीक है ना। और ग्लोटिस है वो आगे किस में खुलता है, ट्रैकिया में, और गुलेट है वो आगे किस में खुलता है, ईसोफेगस में। ओके, अब देखो तो हम बात करते हैं कि ग्लोटिस ओपन इन ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये आगे कहां, अपनी जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, यानी अपनी जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उस जगह से ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ओके, एट राइट एंड लेफ्ट। तो ट्रैकिया टू पार्ट में डिवाइड होती है, और टू पार्ट में डिवाइड होकर ये किस में एंट्री कर जाती है, लंग्स में। ओके, तो याद रखना ये टोटल पार्ट मिलते हैं और मिलकर क्या डेवलप करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप करते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे क्या, देखो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम वन बाय वन ऑर्गन का पूरा डिस्कस करेंगे यहां पर, कंप्लीटली डिस्कस। ओके, तो कम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो है हमारी क्या, नोज। ओके, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, नोज। ओके, एंड इसे अपन क्या है, नोज एंड नेजल पैसेज। और कहां से, ये हमारे एक्सटर्नल नेयर से स्टार्ट होती है, और एक्सटर्नल नेयर्स हैं या हम कह सकते हैं हमारा नेजल पैसेज है, तो नेजल पैसेज डिवाइडेड बाई सेप्टम, एंड सेप्टम मेड अप बाई क्या, हाईलाइन कार्टिलेज। ओके, तो कार्टिलेज का एक क्या होता है, सेप्टम होता है, और वो सेप्टम हमारे किसको, नेजल पैसेज, या नेजल पैसेज को कितने टू पार्ट में डिवाइड करता है, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। ओके, तो इस तरह से हमारी नोज है वो कितने, टू नेजल, या हम क्या कह सकते हैं, टू एक्सटर्नल नेयर्स से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एक्सटर्नल नेयर्स देखो ये रहे, और एक्सटर्नल नेयर्स को डिवाइड किया दो पार्ट में किसके द्वारा, सेप्टम द्वारा। सेप्टम क्या होता है, किससे मेडअप होता है, हाईलाइन कार्टिलेज से। ओके, अब देखो इसके बाद हम एंटर करते हैं यहां अंदर। अब अंदर जब एंटर करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक ट्यूब लाइक या वॉक्स लाइक पैसेज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेजल पैसेज। देखो ये है यहां से यहां, और जो आगे याद रखना, इंटरनल नेयर्स के थ्रू, ये रहे इंटरनल नेयर्स, यानी यहां से स्टार्ट हुआ और आगे कहां, यहां पे आके खुला इंटरनल, और इंटरनल नेयर्स कहां खुलते हैं, आगे नेजो फेरिंग्स में। देखो अपन ने बात की थी फेरिंग्स, फेरिंग्स हमारी दो पार्ट में मेनली थ्री होते हैं, और अगर वैसे देखें तो दो,
अपर पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स, लोअर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और उसके ओरोफेरिंग्स है वो आगे ध्यान रखना यहाँ नीचे लेरिंग्स के पास में होता है लेरिंगोफेरिंग्स, ओके। जो लेरिंग्स और आगे मैंने बताया था दो गुलेट एंड ग्लोटिस जो पोर होते हैं जो फिर आगे डिवाइड हो जाते हैं सब कहाँ, यानी फूड पाइप एंड वाइंड पाइप में, ओके। अब आ जाओ हम प्रॉपर बात कर रहे हैं किसकी, अब नेजल पैसेज की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेजल पैसेज डिवाइडेड इन थ्री मेन पार्ट, ओके। नेजल पैसेज इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, और वो थ्री पार्ट्स कौन से होते हैं, जैसे ही अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखो मैंने नंबरिंग डाली हुई है, नंबर एक दिख रहा है, ये नंबर फर्स्ट है वेस्टिब्यूलर रीजन, यानी फर्स्ट क्या है वेस्टिब्यूलर रीजन, ओके। अब देखो वेस्टिब्यूलर रीजन क्या होता है, द एंटेरियर स्मॉल पार्ट, देखो ये सबसे बाहर का एक्सटर्नल, अपन जैसे ही एक्सटर्नल लेयर में एंट्री करते हैं तो बाहर जो एक क्या होती है एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओके। या हम कह सकते हैं द एंटेरियर स्मॉल पार्ट ऑफ ईच नेचर चैम्बर, द एंटेरियर स्मॉल पार्ट, ओके। तो एंटेरियर स्मॉल पार्ट है ईच नेजल चैम्बर इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, ओके, इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल की स्पेशलिटी क्या होती है कि हमारा जो वेस्टिब्यूलर रीजन होता है ना ये कंटेन हेयर एंड सेबेसियस ग्लैंड, कंटेन बाई हेयर एंड सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है ना। अब फंक्शंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर लाइक हेयर एंड सेबेसियस ग्लैंड, तो देखो इनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वेस्टिब्यूलर रीजन में क्या होता है हेयर होते हैं, और इन हेयर का जो फंक्शन है वो क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम एयर इनहेल करते हैं। अब एनवायरनमेंट से जब एयर इनहेल की जाती है तो उस एयर में क्या होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, अदर बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या किया जाता है, ये जो हेयर होते हैं ये उन डस्ट पार्टिकल्स या जो माइक क्या होते हैं मैक्रो पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल है, अदर, उनको बाहर ही रोकते हैं। मीन्स हेयर है वो क्या कर रहे हैं, उनका जो फंक्शन, तो हेयर फंक्शन लाइक एज फिल्टर, ओके। तो ये क्या है, एज ए फिल्टर की तरह क्या करते हैं फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं। सेबेसियस ग्लैंड्स है, सेबेसियस ग्लैंड्स के द्वारा क्या होता है सर, सीक्रेशन होती है, ठीक है। और एक विशेष प्रकार का क्या होता है इसके द्वारा जो सीक्रेशन होती है, ठीक, अच्छा, ऑयली सीक्रेशन होती है सेबेसियस ग्लैंड से। अब इससे क्या होता है कि अंदर एक मॉइस्ट या हल्का सा चिपचिपा सा क्या होता है एक मीडियम क्रिएट होता है, उससे भी क्या होगा कि एयर के साथ जो पार्टिकल्स वगैरह हैं वो भी क्या होते हैं इससे चिपक जाते हैं। तो मेनली हम बात करें वेस्टिब्यूलर रीजन की तो ये दोनों संरचनाएं क्या करती हैं, ये काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड अपन चलते हैं ये वाला पार्ट, देखो ये है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है। तो मीडियम पार्ट ऑफ नेजल चैम्बर, ठीक है, नाउन एज रेस्पिरेटरी रीजन, ओके। एंड दिस पार्ट ए कोट ऑफ एपिथीलियम इज प्रेजेंट ऑन टर्बाइन। अब देखो एक चीज याद रखना कि मैंने बात की क्या कि द मीडियम पार्ट ऑफ नेजल पैसेज नाउन एज रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है। एंड दिस पार्ट मेड अप बाई टर्बाइनल बोन्स लाइक एज मैगजिला एथमोइड, ओके। तो मैंने बताया कि ये मीडियम पार्ट होता है सबसे पहली बात, या कह सकते हैं कि नेजल चैम्बर का मिडल पार्ट है वो रेस्पिरेटरी रीजन कहलाता है फर्स्ट, ओके। ये मेड अप बाई मैगजिला बोन एंड एथमोइड बोन, तो ये क्या होता है कि इसमें विशेष और टर्बाइनल, अपन ने बात की कि अब इस तरह से क्या होती है टर्बाइनल बोन होती हैं और टर्बाइनल बोन्स होती हैं, ओके। अब ये जो इसमें टर्बाइन्स पाए जाते हैं या अपन कह सकते हैं कि बोन्स में जो टर्बिनेट होते हैं उनको हम क्या भी बोल देते हैं, कॉन्काव भी कहते हैं, ओके। तो याद रखना टर्बिनेट ऑफ बोन्स आल्सो नाउन एज कॉन्काई, ठीक है। तो टर्बिनेट देखो, ये देखो बोन्स है इस तरह से, इसमें क्या हो गया टर्बाइनल बोन, ये क्या होती है कॉन्काई होती है, इसमें जो क्या होते हैं फोल्ड होते हैं या इसमें जो टर्बिनेट होते हैं इनको हम क्या भी बोल देते हैं कॉन्काई। क्या होता है ये,
कोंकाई हेल्प इन मेकिंग द टेम्परेचर, कोंकाई हेल्प इन मेकिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो एयर हमने इनहेल की उसका टेम्परेचर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, ठीक है ना भाई। बाहर का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री हो सकता है, 26 डिग्री हो सकता है, और उसी के हिसाब से उसके एयर का टेम्परेचर है। हमने क्या किया, जैसे उस एयर को इनहेल की, अब इनहेल किया तो नॉर्मल सी बात है उस एयर का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के इक्वल होना चाहिए, ओके, नहीं तो कुछ डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। अब उस एयर के टेम्परेचर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के इक्वल बनाने के लिए क्या होता है, ये टर्बाइनल वॉन्स होती हैं। इसका मतलब जो एयर इनहेल की ना वो डायरेक्ट सीधी नहीं जाएगी, वो क्या होती है, घूमती हुई, और जब वो वहाँ घूमती हुई जाती है तो इन टर्बिनेट या कोंकाई में क्या होता है कि उस एयर का टेम्परेचर उतना ही हो जाता है जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ओके, 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो टर्बिनेट या कोंकाई हेल्प इन मेकिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट देखो, हमारे जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है उसमें स्पेशल टाइप के एपिथीलियम होते हैं, और उस एपिथीलियम को हम क्या कह देते हैं, PSCCG, ओके, यानी ये जो टर्बाइनल बोन्स होती हैं मैग्जिला एंड एथमोइड कवर्ड बाई स्पेशल एपिथीलियम, एंड दिस एपिथीलियम इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ओके। तो ये क्या होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर टाइप का होता है, और एक चीज याद रखना क्योंकि इसमें ग्लैंडुलर टाइप का होता है, इसमें कुछ विशेष क्या होती है, गॉबलेट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी रीजन, ओके, रीजन, क्योंकि इन गॉबलेट सेल्स से क्या होता है, सीक्रेशन होती है, और उस सीक्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, म्यूकस, ओके। अब म्यूकस है, याद रखना कि इसका काम क्या होगा, एयर के साथ में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं तो उस बैक्टीरिया को क्या होता है कि बाहर ही चिपका लेते हैं, एयर को प्रेस करना, या एयर के अंदर आने वाले क्या होता है, वेस्टिजियल पार्ट या वेस्टिजियल मटेरियल होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, लाइक ए डस्ट पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया एंड अदर, ओके। तो उनको क्या किया जाता है, पहले तो कहाँ फिल्टर किया गया था, वेस्टिबुलर रीजन में, किसके थ्रू, हेयर एंड सीबेसियस ग्लैंड्स के थ्रू। उसके बाद हमने बात की म्यूकस का भी क्या काम होता है, कि ये भी क्या होती है कि इस हमारे जो टर्बाइनल बोन्स होती हैं या उनको क्या करती है, कवर्ड किए हुए, और म्यूकस की भी एक लेयर बन जाती है। अब इससे क्या होता है, एक तो एयर है ना वो मॉइस्ट होती है, एयर होती है वो मॉइस्ट होती है, और इसकी और इसका क्या होता है कि जो टेम्परेचर मेंटेन में भी इसकी क्या होती है, एक मेन रोल प्ले करते हैं ये, ओके। तो ये हो गया हमारा क्या, रेस्पिरेटरी रीजन। अब हम अंदर चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो, थर्ड रो रीजन है उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन, ओके। तो याद रखना कि इनर पार्ट ऑफ नेजल चैम्बर नाउन एज ऑल्फैक्टरी रीजन, ओके, मिडल पार्ट ऑफ नेजल चैम्बर नाउन एज रेस्पिरेटरी रीजन, एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल चैम्बर नाउन एज वेस्टिब्यूलर रीजन, ओके। तो अब हम बात करेंगे इनर पार्ट की। याद रखना कि इनर पार्ट होता है ना वो क्या होगा कि जो टर्बाइनल बोन्स का एंड होता है, टर्बाइनल बोन्स होते हैं, ठीक है ना, या टर्बाइनल बोन्स ऑफ नेजल बोन्स, तो नेजल बोन्स की जो टर्बाइनल बोन होती है उनका कौन सा कैसा पार्ट, हेयरलेस, ओके। तो क्या होगा, ऑल्फैक्टरी रीजन, दिस रीजन इज हेयरलेस एंड सिलियालेस, ओके ना। तो हम बात कर रहे हैं क्या कि जो टर्बाइनल बोन्स हैं, और टर्बाइनल बोन्स का कौन सा पार्ट जो हेयरलेस है, सिलियालेस है, केवल वहां क्या होगा, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग, ओके। तो मेम्ब्रेनस जो कवरिंग है, इस मेम्ब्रेनस कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं, स्नीडेरियन मेम्ब्रेन, क्या कहेंगे इसको, स्नीडेरियन मेम्ब्रेन, ओके। एंड स्नीडेरियन मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम, स्नीडे
स्निडेरियन मेम्ब्रेन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्या एपिथिलियम एंड दिस एपिथिलियम नाउन एज न्यूरोसेंसरी एपिथिलियम। ओके, इसका मतलब हम बात कर सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी रीजन है वो हमारा सेंसरी रीजन होता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, हमने देखा कि हम जो भी फ्रेग्रेंस वगैरह होती हैं, जो भी ऑर्डर्स होती हैं, उनको किससे फील करते हैं, नोज के थ्रू ही फील करते हैं, ठीक है ना। बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, ओके, जो भी फ्रेग्रेंस है, ऑर्डरेबल जो थिंग्स हैं जिनकी या गुड्स हैं जिनकी हमें ऑटोमेटिकली क्या होती है, अपन सूंघ के बता देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम से बना हुआ पार्ट होता है। तो इनके अलग अलग फंक्शंस हो गए और ये हमारे क्या है, नोज या नेजल पैसेज, ठीक है। और याद रखना ये नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर डिवाइडेड इन टू पार्ट, वही किसके थ्रू अपन ने बात बताई थी, एक सेप्टम पाया जाता है हाइलैंड कार्टिलेज का, ओके। उसके बाद याद रखना कि ये है वो आगे क्या होगा, इंटरनल नेयर्स के थ्रू कहाँ खुलता है, देखो इंटरनल नेयर है वो आगे नेजोफेरिंग्स में जाके खुलते हैं, ओके। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, पढ़ते रहिए।